बुनाई करते हैं तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारे ऊन बच जाते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हम इन बचे हुए ऊन का क्या करें। तो आज मैं एक ऐसा डिज़ाइन लाई हूँ जिसमें आप इन सभी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए अपने बेबी के लिए एक प्यारा सा स्वेटर बना सकते हैं, और डिज़ाइन बहुत ही लाजवाब है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 20 फंदे डाले हैं, 18 और 2, 20। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब जो ऊन आपका सबसे ज़्यादा बचा हुआ हो उससे आप बॉर्डर बनाइएगा, क्योंकि उसी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये डिज़ाइन के लिए बेस लाइन है। तो तीसरी लाइन से हमारा मेन डिज़ाइन शुरू होगा और हम अपने दूसरे कलर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया, और अब दूसरे कलर के ऊन से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, 1, 2, फिर 2 फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम इन्हीं 6 फंदों को दोहराएंगे, यानी अब इसी 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। यहाँ पे दूसरा लाइन डिज़ाइन कंप्लीट होता है, फिर 2 फंदा सीधा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। साइड साइड में 3-3 फंदे रहेंगे, और देखिए बीच में 4-4 फंदे आएंगे। 2 फंदा सीधा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा, तो दो डिज़ाइन के बीच में 4 फंदे आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, यानी बुने हुए फंदों को हमें उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। तो इस तरह ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरे लाइन में हम अपने मेन कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए 3 फंदा है, तो जो स्लिप किया हुआ फंदा है उन्हें हम 2 फंदों के आगे लाएंगे। तो ऐसे उठाया और ऊपर की तरफ से लाते हुए सिलाई में हम चढ़ा देंगे। अब 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। अब देखिए जो दूसरा स्लिप किया हुआ फंदा है इसे 2 फंदे के बाद हमें करना है। तो पहले गिराएंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के बाद कर लेंगे। हम इसे देखिए नीट वाइज बुनेंगे तो ये सीधा बन के आएगा। तो ये एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब फिर हमें देखिए 2 फंदे हैं, तो हमें स्लिप किए हुए फंदे को 2 फंदों के आगे लाना है। तो इसे उठा गिराएंगे, 2 फंदों के आगे ले लेंगे। अब इन 3ों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए दूसरा स्लिप क्या फंदा है, इसे गिराएंगे, पहले 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और
सामने की तरफ से सिलाई डालते हुए उसे सीधा बुनेंगे। देखिए दूसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट होता है। इसी तरह हम तीसरा डिज़ाइन भी बनाएंगे, दो फंदों को गिराएंगे। पहले स्लिप किए हुए फंदे को, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में ले लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और ऐसे बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे ऊपर की तरफ से। अब बैक साइड से इसे सीधा बुन लेंगे, दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये दूसरा स्लिप किया हुआ फंदा, इसे पहले गिरा देंगे, दो फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इसे नीट वाइज सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट होता है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। चौथे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना तीसरा कलर ले लिया। तीसरे कलर के ऊन से हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, दो, फिर दो फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा। अब पहला फंदा एज स्टिच है और ये छह फंदे का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर दो फंदा सीधा। तो ये दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब फिर इन्हीं छह फंदों को हमें दोहराना है, दो फंदा सीधा बुनना है, दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा सीधा बुनना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। बुने हुए फंदे को हमें सीधा बुनना, सॉरी, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब फिर हम अपने मेन कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो तीन फंदे हैं तो स्लिप किए हुए फंदे को हम इन दो फंदों के आगे लाएंगे। तो स्लिप किए हुए फंदे को लिया, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और सामने की तरफ से उठाते हुए स्लिप किए हुए फंदे को सामने ला देंगे। अब इन तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब दूसरे स्लिप किए हुए फंदे को हम गिरा देंगे, और इन दो फंदों के बात करेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक, दो और तीसरा स्लिप किया हुआ फंदा। तो देखिए हमारा छह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इस दो स्लिप किए हुए फंदे को लेंगे, पहले स्लिप किए हुए फंदे को दो फंदों के आगे लाएंगे, सामने की तरफ से बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब दूसरे स्लिप किए हुए फंदे को गिराएंगे, इन्हें दो फंदों के बाद कर लेंगे। अब तीनों फंदों को हमें सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को देखिए ऐसे नीट वाइज करेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदों को गिराएंगे, दो फंदे के आगे लाएंगे, तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। दूसरे फंदे को ऐसे गिराएंगे और दो फंदों के बाद ऐसे सामने की तरफ से ले जाएंगे और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। दो और तीन, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को
उल्टा बुन लेंगे। तो चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। आप ऐसे ही रंग बदलते हुए सभी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करेंगे और एक खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। देखिए डिज़ाइन कंप्लीट है और ऐसे ही आप बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए देखिए ये मल्टी कलर का डिज़ाइन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप सभी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल कीजिए और अपने बेबी के लिए एक प्यारा सा स्वेटर बनाइए। सामने की देखिए ये रॉन्ग साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है और सामने से ऐसा, देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।